जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन हैव सम नीड वांट एंड डिमांड सभी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हो तो उनकी कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और एवरी कंज्यूमर फॉलो ए प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स यानी कि चाहे जो भी कस्टमर हो कंज्यूमर हो कुछ स्टेप्स होते हैं जो सभी कंज्यूमर स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से कंज्यूम करने तक तो उसी स्टेप्स को जो फॉलो करता है प्रोडक्ट को परचेज करने से कंज्यूम करने तक उसी स्टेप्स को क्या कहते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस तो आइए चलिए एक एग्जाम्पल के साथ स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं तो सपोज करिए कि यू वांट्स टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आपने ग्रेजुएशन कर लिया है अब आगे आपको और पढ़ाई करनी है तो अब आपकी नीड क्या है आपको आपकी वांट क्या है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अब अगला काम क्या करेंगे या आपने आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा ऑबियसली बात है अगला स्टेप होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस कोर्स में करें कहाँ से करें कौन सी यूनिवर्सिटी से करें कौन से, से कॉलेज से, से करें कौन से इंट्रेंस एग्जाम देना होगा इन सब के बारे में क्या करेंगे इन्फॉमेशन सर्च करेंगे यानी विल सर्च इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम्स एस्टक्ट्रा जब आपने इंफॉमेसन सर्च कर लिया डिफरेंट कोर्सेज के बारे में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में तो अगला स्टेप आप, आप क्या करेंगे ऑफिस की बात है कि अगला अब आप इवालुएटेट करेंगे कि जो भी कोर्सेज़ आपने देखे उसमें से बेस्ट कोर्स कौन सा होगा उसमें से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होगी बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ़ फीस प्लेसमेंट एक्सेट्रा जो भी डिमांड जिसकी कोर्स की डिमांड ज़्यादा होगी इन सब के बीच पर आप बेसिस पे आप क्या करेंगे इवालुएट करेंगे इवालुएट करने के बाद आप क्या करेंगे जब आपने एवालुएट कर लिया आपको पता चलेगा ये कोर्स अच्छा है तो अब ऐसी बात है उस कोर्स में आप एडमिशन ले लेंगे यानी कि फाइनली यू विल टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज पर डिसाइडेड बाई यू मतलब कि आपने जो भी कोर्स डिसाइड किया कि आपको इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप एडमिशन ले लेंगे और एडमिशन लेने के बाद फिर क्या होगा और इसी बात है कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू विल भी आईदर सेटिसफाइड फ्राम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टीचिंग प्लेसमेंट या फिर डिससेटिस्फाइड दिश्ट यानी कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से टीचिंग स्टाइल से प्लेसमेंट से या तो आप सेटिसफाई होंगे या तो डिस सेटिस्फाई होंगे और उसके उसके बेसिस पर ही आपका आगे का एक्शन होगा कि आप किसी को वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी रिफ़र करेंगे या फिर नहीं रेफ़र करेंगे तो नॉर्मली सभी कस्टमर या सभी कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट के केस में यही स्टेप्स फॉलो करते हैं कि पहले वो अपनी नीड या अपनी वांट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए इन्फॉमेशन सर्च करते हैं देन इवालुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को फिर वो परचेज़ करते हैं और फाइनली या तो वो सेटिस्फाई होंगे या फिर डिसेटिसफाई होंगे यानी पोस्ट परचेज बिहेवियर शो करते हैं तो यही स्टेप्स हैं कि पहला क्या है पहला यू वॉन्ट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएन यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे तो आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई किया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिकोगनाइज़ किया उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन सर्च किया अपनी नीड या अपनी वांट को फुलफ़िल करने के लिए कि आपकी जो भी नीड है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको फुलफिल कैसे होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च किया इंफॉर्मेशन सर्च के बाद आपने जो भी अल्टरनेटिव्स थे उसको इवोल्यूएट किया जैसा कि आपको पता कि एक नीट को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो सारे तो नहीं खरीद सकते तो अपनी नीट के अकॉर्डिंग आपको इवोल्युएट करना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सा किस प्राइस में किस क्वालिटी का चाहिए तो आप एवेल करके उसको क्या करते हैं फाइनली परचेज कर लेते हैं परचेज डिसीजन फोर्थ स्टेप एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप क्या होगा पोस्ट परचेज बिहेवियर यानी कि परचेज करने के बाद आप कैसा बिहेवियर शो करते हैं या फिर आप सेटिस्फाई होंगे या तो डिसटिस्फाई होंगे तो डिलाइटेड होंगे तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कंप्लीटली क्या है फाइव स्टेप्स कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का तो सबसे पहले चीज प्रॉब्लम रिकोगनीशन और नीड आइडेंटिफिकेशन कि आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है आपकी नीड किस चीज़ की है किस प्रोडक्ट की है किस सर्विस की है उसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना है या रिकोगनाइज़ करना है जैसे कि आपको भूख लगी है या फिर आपको एजुकेशन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए इस तरह से दूसरा स्टेप होगा उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को रिकोगनाइज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करना होगा कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो नीड है वो किस चीज़ से फुलफ़िल हो सकती है कौन से टाइप के प्रोडक्ट से फुलफ़िल हो सकती है आप इन्फॉमेशन सर्च आप पर्सनल सोर्सेस से भी कर सकते हैं जैसे कि आप फैमिली से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं या फिर एडवर्टाइज़मेंट में देख के आप अपनी इन्फॉमेसन निकाल सकते हैं या फिर आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया हो कभी तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इन्फॉमेशन सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिवस होंगे बहुत सारे ऑप्शनस होंगे तो उन ऑप्शन को क्या करना है इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएट करना मतलब कि आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा आपके लिए यानी कि सस्ते में अच्छा प्राइस भी ठीक ठाक हो और क्वालिटी भी अच्छी हो तो आपको उसके बेसिस पे कॉम्पेरिजन ऑफ अल्टर अट्टरनेटिव ऑन द बेस ऑफ प्राइस क्वालिटी सेक्टर उसके बेसिस पर आप क्या करते हैं परचेज डिसीजन है। यानी कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और आप वो परचेज कर लेते हैं यानी सेलेक्टेड एंड पेड फॉर द प्रोडक्ट अब जब आपने परचेज़ कर लिया तो ऑबियसली बात है आप उसको यूज़ करेंगे यूज़ करने के बाद आपका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा तो उस बिहेवियर को क्या करते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर यानी कि आप यूज़ करने के बाद या तो सेटिसफाई होंगे या तो डिलाइटेड होंगे या तो डिससेटिसफाई होंगे डिलाइटेड यानि कि आपने जो भी मनी पे की है उससे ज़्यादा की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप डिलाइट हो जाते हैं या फिर जितने आपने मनी पे की है उसके आसपास की वैल्यू आपको मिलती है तो आप सेटिस्फाई होते हैं अगर आपने जितना मनी पे किया उससे कम की वैल्यू की आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिलता है तो फिर आप डिसटिस्फाई होते हैं और इसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं एक्शंस देते हैं जैसे कि पब्लिक एक्शन या प्राइवेट एक्शन प्राइवेट एक्शन जैसे कि आप अगर डिससेटिस्फाई हुए तो आप निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है कम्युनिकेट करेंगे लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मत लेना यह बेकार प्रोडक्ट है या फिर आप एक्शन पब्लिक एक्शन भी ले सकते हैं जैसे कि कॉस्टली प्रोडक्ट था तो आप जो है उस पर केस भी कर सकते हैं कर सकते हैं एक्सेट्रा और अगर सेटिस्फाई हैं डिलाइटेड है तो आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी करेंगे यानी तो कि प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो भी आप बिहेवियर शो करते हैं वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आ जाता है तो ओवरऑल यही कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है सभी कस्टमर्स कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कोई भी सर्विस अवेल करते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो नोइंगली या अन नोइंगली फॉलो करते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकोगनाइज या आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नीड को इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव जो भी होते तो हैं उसको एवोलट करते हैं फिर परचेज़ करते हैं और पोस्ट परचेज बिहेवियर शो करते हैं तो यही कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है कंज्यूमर की किसी एक नीड को फुलफ़िल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है यानी कि डिफरेंट अल्टरनेटिवस मार्केट में अवेलेबल है तो जब कंज्यूमर को, को कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो वहाँ पर उसके सामने डिफरेंट अटरनेटिवस अवेलेबल होते हैं जिसमें कि डिफरेंट फीचर्स एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं तो अब ऐसे में जो है कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वहां पर डिसीजन रूल्स का यूज करता है तो जो डिसीजन रूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं कंपनसेटरी डिसीजन रूल एंड नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में फर्दर यहाँ पर जो है चार इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं कंजंक्टिव डिसीजन रूल डिसजंक्टिव डिसीजन रूल लेक्सिकोग्राफिक डिसीजन रूल एंड अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल तो इन सभी रूल को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप है दैट इज़ कंपनसेटरी डिसीजन रूल तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग कम है और दूसरे एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग अच्छी है तो ऐसे केस में जो रैंकिंग अच्छी है वो जो कम रैंकिंग है उसको कंपनसेट कर देता है यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत अच्छी चीज है एक बहुत खराब है तो अच्छी चीज़ ने खराब चीज को कंपनसेट कर दिया और जो है वहां पर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो इन दीज स्ट्रेटजीज कंज्यूमर अलाउ ए हायर वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट टू कंपनसेट फॉर लेसर वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट में एक कमी है और वहीं पर उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो उस कमी को जो है वहां पर कंपनसेट कर दिया जाता है और उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो यहां पर क्या होता है कि सभी ब्रांड और उसके एट्रीब्यूट को स्कोर कर दिया जाता है क्लियर और फिर ब्रांड्स हैविंग हाइएस्ट स्कोर और वेटेड स्कोर विल भी सिलेक्टेड फिर जिस भी ब्रांड के हाइएस्ट स्कोर होंगे या फिर वेटेड स्कोर हाइएस्ट होगा उस ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया जाता है अब यहां पर आप एक एग्जाम्पल देखिए यहां पर आपको जो है दो ब्रांड दिए हैं ब्रांड ए और ब्रांड बी और उसके एट्रीब्यूट दिए हैं प्राइस सेफ्टी माइलेज और इनकी जो है मिनिमम कट ऑफ दे दिया गया है पाँच छः आठ प्राइस के लिए पाँच सेफ्टी के लिए छः माइलेज के लिए आठ लेकिन अब ब्रांड ए का देखिए तो प्राइस के लिए फाइव है सेफ्टी के लिए फाइव है माइलेज के लिए फोर है लेकिन वहीं पर ब्रांड बी का देखिए तो प्राइस के लिए तीन है सेफ्टी के लिए दस है माइलेज के लिए दो है तो ऐसे केस में क्या है कि ब्रांड ए जो है देखा जाए तो सिर्फ सेफ्टी को छोड़ के बाकी सभी में प्राइस और माइलेज के लिए अच्छी रैंकिंग है एज पर कंपेयर टू ब्रांड बी लेकिन ब्रांड बी में सेफ्टी सबसे ज्यादा है लेकिन प्राइस और माइलेज की स्कोरिंग वहां तो से प्राइस और माइलेज को दिया जा रहा है, है, रहा है? रहा है. और टोटल अगर आप देखेंगे तो ब्रांड ए का टोटल फोर्टीन हो रहा है ब्रांड बी का टोटल फिफ्टीन हो रहा है तो ऐसे केस में यहां पर कौन सा ब्रांड सेलेक्ट किया जाएगा ब्रांड बी क्योंकि उसका टोटल स्कोर फिफ्टीन है क्यों क्योंकि प्राइस और माइलेज की रैंकिंग को वहां पर कंपनसेट कर दिया क्लियर तो इसी को कहते हैं कंपनसेटरी डिसीजन रोल यानी कि अगर कोई चीज़ खराब है और वहीं पर दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है तो दूसरी जो चीज़ अच्छी है वो खराब वाली चीज़ को कंपनसेट कर देगा और वहां पर जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा दूसरे प्रोडक्ट को वहीं पर बात कर लें नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में तो यहां पर क्या है कि अगर कोई ब्रांड किसी भी मिनिमम क्राइटेरिया या फिर मिनिमम कट ऑफ को फॉलो नहीं कर रहा होगा फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो उसको हटा दिया जाएगा उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा भले उसमें एक चीज बहुत अच्छी हो ठीक है लेकिन अगर एक भी चीज़ खराब हुई एक भी चीज़ मिनिमम कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर रही है तो उसको प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एलिमिनेट अल्टरनेटिव दैट डू नॉट मीट अ पर्टिकुलर क्राइटेरियन मिनिमम रिक्वायर्ड परफॉर्म स इज सेट एंड इफ एनी ब्रांड डज नॉट क्वालिफाई द मिनिमम क्राइटेरिया विल बी रिमूव फ्रॉम दंसिडरेशन क्लियर तो हर चीज़ के लिए हर एट्रीब्यूट के लिए मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा और कोई भी ब्रांड अगर किसी भी मिनिमम कट ऑफ को जो है फुलफिल नहीं करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा जैसे कि ए डिसीजन मेकर माइ टिजेक्ट दिन बिकॉज द प्राइस इज टू हाई वेदर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई तो चाहे क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की हाई हो लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है वो मिनिमम कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में उसको जो है नेगलेक्ट कर दिया जाएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको कंसिडर दिया गया डिसीजन के लिए क्लियर तो अब नॉन कंपोजेटिव डिसीजन रूल में डिफरेंट टाइप है तो सबसे पहला क्या है कंजंक्टिव डिसीजन रूल तो कंजंक्टिव डिसीजन रूल में क्या होता है कंजंक्टिव मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट दिए गए हैं सभी एट्रीब्यूट्स के जो मिनिमम कट ऑफ हैं उनको जो है ब्रांड को फुलफिल करना होगा तभी उसको सिलेक्ट किया जाएगा नहीं तो नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसा ब्रांड जो सभी मिनिमम कट ऑफ को नहीं फुलफिल करेगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो कंज्यूमर स्टेब्लिश मिनिमम रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ईच स्टैंड क्राइटेरिया हर क्राइटेरिया के लिए जो है मिनिमम स्टैंडर्ड रखा जाएगा और जो प्रोडक्ट सभी सभी मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा तो सेलेक्ट दी फर्स्ट और ऑल ब्रांड दैट सरपास मिनिमम स्टैंडर्ड ए ब्रांड मस्ट हैव ऑल इट्स फीचर एवब द मिनिमम एक्सेप्टेबिलिटी लेवल टू बी एक्सेप्टेबल यानी कि किसी भी ब्रांड को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा तभी सेलेक्ट किया जाएगा जब वो सभी मिनिमम फीचर्स को जो है वहाँ पर फुलफिल कर रहा होगा आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए तो एट्रीब्यूट से प्राइस सेफ्टी सीटिंग से वहाँ पर मिनिमम कट ऑफ क्या दे दिया फाइव सिक्स सेवन ब्रांड ए का प्राइस के लिए फाइव है सेफ्टी के लिए सिक्स है सीटिंग के लिए सेवन है वहीं पर माइलेज के लिए एट है और ब्रांड बी के लिए देखें तो प्राइस फोर है यानी कि मिनिमम कट ऑफ कोई जो है फुलफिल नहीं कर रहा है सेफ्टी टेन है सीटिंग एट है माइलेज नाइन है लेकिन यहां पर क्या है कि प्राइस वाला जो मिनो कट ऑफ है उसको ब्रांड भी ने फुलफिल नहीं किया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि वहां पर ब्रांड बी को नेग्लेक्ट किया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा ब्रांड ए को कंसीडर किया जाएगा तो यानी कि भले आप सेफ्टी सीटिंग माइलेज में अच्छे रैंक लेके आओ लेकिन आपने प्राइस के मिनिमम कट ऑफ को जो है पर, जो है फुलफिल नहीं किया तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्लियर ब्रांड ए को सिलेक्ट किया जाएगा तो दैट इज कंजक्टिव डिसीजन रूल यानी हर क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा तभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा वहीं पर जो नेक्स्ट है डिसजंक्टिव डिसीजन रूल तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी जो है की एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया जाता है उसके लिए जो है मिनिमम कट ऑफ रख दिया जाता है और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उस की एट्रीब्यूट को फुलफिल कर लेगा एक भी की एट्रीब्यूट को फुलफिल कर लेगा तो उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है तो डिसजंक्टिव डिसीजन रूल क्या हो गया स्टैब्लिश अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यहां पर हर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को जो है वहां पर मिनिमम लेवल वहां पर जो है या मिनिमम कट ऑफ जो है असाइन कर दिया जाता है ऑल ब्रांड्स दैट सरपास परफॉर्मेंस लेबल फॉर एनी की एट्रीब्यूट आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल तो जितने भी ब्रांड्स उसकी एट्रीब्यूट को फुलफिल करेंगे उसको जो है कंसीडर किया जाता है अब जैसे कि सपोज करिए कि यू में प्रेफर अ मिनिमम ऑफ 30 इंचेस ए मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ 550 डॉलर एंड 4 के रेजोल्यूशन यानी कि आप जो है टीवी परचेस करना चाहते हो और वहां पर जो है आपने तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा क्या कि पहली चीज तो इंचेस कम से कम साइज होनी चाहिए टीवी की मैक्सिमम कॉस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है फाइव हंड्रेड फिफ्टी डॉलर होना चाहिए और वहीं पर फोर के का होना चाहिए टीवी तीन क्राइटेरिया दिया अब ऐसे अब ऐसी टीवी जो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा या फिर कोई भी टीवी जो इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा होगा उसको आप कंसीडर करेंगे लेकिन इफ अ टीवी डज़ नॉट मीट एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया अगर इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगा टी वी तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे क्लियर तो ये जो है डिसजंक्टिव डिसीजन रूल होता है यानी कि जो भी आपने एट्रीब्यूट सेट किए हैं उसमें से किसी न किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए क्लियर नेक्स्ट जो है दैट इज़ लेग्जिकोग्राफिक डिसीजन रूल यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्राइटेरिया है उसको आप जो है रैंक कर देते हो इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस द कंज्यूमर रैंक द क्राइटेरिया इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस क्लियर जैसे कि प्राइस के लिए आपने वन रैंक दे दिया माइलेज के लिए टू दे दिया और सेफ्टी के लिए थ्री दे दिया क्लियर तो सबसे पहला रैंक इसका है प्राइस का अब जो है आप क्या करोगे दो ब्रांड है तो दोनों ब्रांड को पहले प्राइस के बेसिस पे जज करोगे प्राइस के बेसिस पे अगर ब्रांड ए जो है वो अच्छा है ब्रांड बी जो है खराब है तो आप आप ब्रांड ए को सेलेक्ट कर लोगे लेकिन ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों ही प्राइस के लिए सेम कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस केस में फिर आप जो ने, आपने जिस एट्रीब्यूट को सेकंड पोजीशन पे रखा है उसके बेसिस पे ब्रांड ए और ब्रांड बी को जज करोगे अगर सेकंड रैंक वाले के बेसिस पे ब्रांड ए अच्छा निकला ब्रांड बी खराब निकला तो ब्रांड ए को सेलेक्ट कर लोगे यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि आप क्राइटेरिया को जो है रैंक कर दे रहे हो और फिर हर रैंक के लिए हर अलग अलग ब्रांड को इवालुएट कर रहे हो और ये रूल तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक आपको किसी भी क्राइटेरिया पर

प्राइस के बेसिस पे वहाँ पर कंपेयर किया प्राइस पे अगर आपको कोई एक ब्रांड मिल गया तो आप उसको सेलेक्ट करोगे लेकिन अगर प्राइस के बेसिस पे दो ब्रांड मिले तो फिर नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट रखा था आपने कि सपोज करिए आपने सेफ्टी को रखा था या फिर माइलेज को रखा था तो माइलेज के बेसिस पे उन दोनों ब्रांड को जज करोगे फिर माइलेज के बेसिस पे जो अच्छा मिलेगा उसको सेलेक्ट करोगे अगर दो अच्छे मिल गए तो उस केस में फिर तीसरे वाले एट्रीब्यूट को, को बेसिस पे उन दोनों ब्रांड को जज करोगे क्लियर तो इस तरीके से तब तक चलेगा जब तक कि आपके पास सिर्फ एक ब्रांड नहीं मिल जाता है क्लियर दिस कंटिन्यूस थ्रो दी एट्रीब्यूट्स अनटिल वन ब्रांड आउट परफॉर्म द अदर्स जब तक कि एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा एग्जाम्पल आप यहां पर देखें सपोज करके आपने एट्रीब्यूट रख लिया प्राइस सेफ्टी सीटिंग और माइलेज अब यहां पर मिनिमम कट ऑफ भी दे दिया फाइव सिक्स सेवन एट वहां पर रैंक आपने दे दिया प्राइस के लिए वन सेफ्टी के लिए टू सीटिंग के लिए थ्री और माइलेज के लिए फोर अब इस केस में आप सपोज करिए कि आपने क्या देखा कि रैंक वन के लिए आप पहले क्या करोगे जज करोगे आपके पास तीन प्रोडक्ट हैं ए बी सी ये तीन ब्रांड एबीसी अब ए का भी फाइव आ गया बी का भी मिनिमम कट ऑफ फाइव आ गया और सी का भी मिनिमम कट ऑफ फोर आ गया यानी रैंक वन के लिए पहले प्राइस के बेसिस आपने तीनों को जज किया तो जब तीनों को प्राइस के बेसिस पे आपने यहां पर कंपेयर किया तो देखा कि ए का फाइव है बी का फाइव है सी का फोर है तो सी को क्या कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे और ए और बी को यहाँ पर कंसिडर करोगे अब ए और बी दोनों का सेम है तो अब क्या करोगे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे जज करोगे तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है सेफ्टी तो आपने सेफ्टी के बेसिस पर देखा तो ए को यहां पर क्या मिला सिक्स और बी को मिला फाइव तो अब यहां पर क्या हो गया कि बी भी चला गया बाहर बी जो है ए से अच्छा निकला सेकेंड क्राइटेरिया के लिए तो अब जो है यहीं पर आप क्या करोगे जो ब्रांड ए है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे तो ये मेथड है लेक्सिकोग्राफिक ये तब तक चलता जब तक कि आपके पास कोई एक ब्रांड नहीं रहता यहाँ पर क्या है आपके पास एक ही ब्रांड है यानी कि ए तो आप जो है उसी को सिलेक्ट कर लोगे क्लियर तो ये लेक्सिकोग्राफिक जो है डिसीजन रूल होता है वहीं पर नेक्स्ट जो रूल है दैट इज अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल तो यहां पर क्या होता है कि आप जिस चीज से अफेक्ट हुए हो आप अपनी फीलिंग अपनी इमोशन अपनी लाइकिंग अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो क्लियर इट डज नॉट रिलाई ऑन द इवाल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो है इवाल्यूएट नहीं करते हो बल्कि क्या करते हो आप अपनी फीलिंग इमोशन लाइकिंग प्रायर एक्सपीरियंस यानी कि पहले कोई एक्सपीरियंस या फिर रूल ऑफ थर्म के बेसिस पे यहाँ पर क्या करते हो डिसाइड कर लेते हो क्लियर जैसे कि आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है तो आपने भी उसी प्रोडक्ट को वहां पर सिलेक्ट कर लोगे आप इवाल्यूएट नहीं करोगे कि एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं है उसकी खासियत है कि नहीं आप कोई भी यहाँ पर इवेल्यूशन नहीं करते हो दोस्त ने बोला अच्छा है आपने पसंद कर लिया आपको पसंद है तो आपने जो है वहां पर सिलेक्ट कर लिया भले कोई दूसरा और उससे अच्छा प्रोडक्ट हो लेकिन आपको पसंद जो खराब था वही है तो आप खराब वाले को ही सिलेक्ट कर लोगे तो ये अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल होता है तो इसको शॉर्टकट डिसीजन भी कहते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है तो मैं यही लूंगा भले कोई और प्रोडक्ट उससे अच्छा हो क्लियर तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ए फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट दिस ब्रांड इज ए गुड प्रोडक्ट एंड दैट्स दी वन आई शुड बाई तो किसी फ्रेंड ने बोला किसी फैमिली मेंबर ने बोला तो आप उसी को परचेज कर लेते हो दूसरे को आप वहां पर सेलेक्ट ही नहीं करोगे कंसिडर ही नहीं करोगे आई रियली लाइक द लुक ऑफ दिस प्रोडक्ट आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया या फिर कोई कार की डिजाइन पसंद आ गई तो आप उसी कार को परचेज लोगे भले उसकी प्राइस ज्यादा हो भले उसकी माइलेज कम हो या फिर सेफ्टी उतनी अच्छी ना हो आप उसको पसंद करोग क्यों क्योंकि आपको प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा लग गया क्लियर तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं अफेक्ट रिफरल डिसीजन रूल के तो इस तरीके से जो है जब आप रिवॉल्यूएशन होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का तो यहाँ पर इन डिसीजन रूल का यूज किया जा सकता है तो पहला था कंपनसेटिव डिसीजन रूल दूसरा है नॉन डिसीजन रूल जहां पर आप जो है चार इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ते हैं कंजंक्टिव डिसीजन 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 रूल 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 डिसजंक्टिव लेक्सिकोग्राफिक एंड अफेक्ट कंज्यूमर्स जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा ब्रांड जो है सिलेक्ट करना है तो अब उसके बाद उनका जो नेक्स्ट सिलेक्शन होता है दैट इज रिटेल आउटलेट सिलेक्शन यानी कि अब उनको जो है ये चूज करना है कि उनको किस शॉप से जो प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आउटलेट या फिर रिटेल आउटलेट का मतलब क्या हो गया ए ए शॉप बिजनेस दैट सेल्स गुड्स मेड बाय पर्टिकुलर कंपनी और ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप तो यानी कि कोई भी ऐसा आउटलेट कोई भी ऐसी शॉप या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर को तो उसको हम आउटलेट या फिर रिटेल आउटलेट कहते हैं जैसे कि जो भी आपके आसपास की दुकानें होती हैं या फिर जो मॉल्स में आप चले जाते हैं वहां पर जो भी शॉप्स हैं वो सब क्या है रिटेल आउटलेट है और वो जो है किसी न किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को जो है आपको सेल कर रहे होते हैं क्लियर तो आफ्टर सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट दी आउटलेट आपको आउटलेट सेलेक्ट करना होता है कि किस जो है किस शॉप से जो है आपको जो आपने ब्रांड सेलेक्ट किया है उसको परचेज करना है यानी कि सेलेक्टिंग द रिटेल शॉप फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर विल मेक परचेजेस क्लियर तो अब जो है रिटेल आउटलेट को सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ फैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसको ध्यान में रखने होते हैं तो एट्रीब्यूट्स अफेक्टिंग आउटलेट सिलेक्शन यानी कि इन फैक्टर्स के बेसिस पे ही जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है कि, कि किस दुकान से जो है उसको परचेज करना है तो सबसे जो पहला फैक्टर है इंपॉर्टेंट दैट इज़ आउटलेट इमेज यानी कि जो भी रिटेल शॉप है उसकी इमेज क्या है यानी कि वहाँ के जो ऑनर हैं उनका क्या बिहेवियर है जो एम्प्लॉय अगर बड़ा है मॉल है या कोई जो है फैमिली बाजार टाइप का है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा है उनके सर्विसेज कैसे हैं ये सारी चीजें जो वहां पर ध्यान में रखनी होती हैं उसके बाद रिटेलर ब्रांड्स यानी कि रिटेल जो शॉप है जो आउटलेट है उसके यहां पर कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं क्या वहां पर सिर्फ एक ही ब्रांड है एक्सक्लूसिव है क्या वहां पर जो है दो तीन ब्रांड है सिलेक्टिव है या फिर वहां पर हर ब्रांड के प्रोडक्ट चाहे वो लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो सारे प्रोडक्ट वहां पर मिलते हैं यानी कि मल्टीपल ब्रांड रखता है तो किस टाइप के ब्रांड जो है वो शॉप ऑनर रखता है अब आपको जो ब्रांड चाहिए वो पर्टिकुलर शॉप ऑनर रखता ही नहीं है तो आपको उस शॉप पे जाना ही नहीं होगा आपको किसी और शॉप पे जाना होगा क्लियर तो रिटेलर कौन सा ब्रांड रखता है ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटलेट सिलेक्शन के टाइम पे देन रिटेल एडवर्टाइजिंग बहुत बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी शॉप है आपके आसपास तो एडवर्टाइजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है अब जो है आप नॉर्मली देखते होंगे कि एक बार जहां से आप परचेज कर ले तो वो लोग आपको लगातार मैसेज करके ऑफर्स के बारे में बताते रहते हैं तो रिटेल की एडवर्टाइजिंग यानी कि शॉप की एडवर्टाइजिंग है कि नहीं है एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडवर्टाइजिंग अच्छी होगी तो कस्टमर जो है अवेयर होगा उस आउटलेट के बारे में वो कस्टमर जो है उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखेगा देन आउटलेट लोकेशन एंड साइज एंड पार्किंग फैसिलिटीज ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस भी शॉप में आप परचेज करने की सोच रहे हैं क्या वहाँ वो आपके नजदीक है या फिर बहुत दूर है वो छोटा है या फिर बड़ी आउटलेट है बड़ा शॉप है या फिर वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े सिटीज़ में कि पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं होती तो गाड़ी आप पार्क नहीं कर पाओगे तो आप क्या है कि आप नेक्स्ट किसी दूसरे शॉप पर जाओगे जहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी होती है या फिर ऐसा पता चलता है कि पार्किंग बहुत दूर है वहाँ पर खड़ी करके आप पैदल चल के बहुत दूर तक आना पड़ेगा तो ऐसे केस में ऐसे लोकेशन या फिर ऐसे आउटलेट को आप क्या है नेगलेक्ट कर देते हो तो आप ऐसे आउटलेट को सेलेक्ट करते हो जहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी हो जो आपके पास नज़दीक हो जो बड़ा आउटलेट हो तो ये क्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है आउटलेट को सिलेक्ट करते वक्त शॉप को सिलेक्ट करते वक्त इसके अलावा स्टोर इस का एटमॉसफियर कैसा है यानी कि वहां पर लाइटिंग कैसी है ए है कि नहीं है अब गर्मी का सीजन है और वहां पर आप जाओ पसीना बह रहा है तो आप वहां पर शॉपिंग करने नहीं जाओगे तो ए सी इसलिए लोग क्या करते हैं कि मॉल्स में जाते हैं फिर बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं जहां पर जो है वहां पर ए की फैसिलिटी भी होती है जिससे कि वो आराम से जो है निश्चिंत होकर वहां पर शॉपिंग कर सके म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक वहां पर ड्रेसिंग कैसी है लोगों की जो इंप्लॉइज हैं उनकी यूनिफॉर्म है कि नहीं है फ्लोरिंग कैसी साफ सफाई है कि नहीं ये सारी चीजें भी वहां पर मैटर करती हैं कि जिस भी शॉप का ये एटमोस्फीयर अच्छा होगा नजदीक होगा पार्किंग फैसिलिटी होगी उसका जो है ब्रांड अच्छे अच्छे ब्रांड रखे होंगे उसने और आउटलेट का इमेज भी अच्छा होगा तो लोग क्या है लोग वहीं पर जाएंगे उसी शॉप से जो है परचेज करना पसंद करेंगे तो ये जो है रिटेल आउटलेट सिलेक्शन के, के क्राइटेरियाज होते हैं कि जब कस्टमर जो है आउटलेट को चूज करने के लिए सोचता है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखता है विश यू ऑल द बेस्ट की